एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे इंदौर के सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर मिल रही है, शंकर लालवानी हो सकते हैं इंदौर से बीजेपी उम्मीदवार। वर्तमान सांसद पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है, ऐसा कहा जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अग्रिम बधाई भी दी है। तो फिर से मैदान में शंकर लालवानी को उतारा जा सकता है, इंदौर से सांसद फिर से बन सकते हैं, फिर से उम्मीदवार उन्हें बनाया जा सकता है। अभी वो सांसद हैं और अब फिर से उन्हें मैदान में उतारने की तैयारी में बीजेपी है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और अग्रिम बधाई भी उन्हें पुष्यमित्र भार्गव द्वारा दी गई है, ऐसे सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि फिर से एक बार बीजेपी भरोसा शंकर लालवानी पर जताने जा रही है और फिर से उम्मीदवार उन्हें बनाएगी, सांसद बनाने की तैयारी में फिर से बीजेपी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो जानकारी देंगे। मिथिलेश, लगातार अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ताई और भाई का कहीं ना कहीं फोर्स है यहां पर कि महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, महिला उम्मीदवार को। वहीं जो है ये भी कहा जा रहा था कि शंकर लालवानी को फिर से टिकट भी दिया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। अब ये जो तस्वीर आई है जिसमें गुलदस्ता दे रहे हैं महापौर जी, आखिर क्या संकेत है यहाँ पर? रितु, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लोकसभा की पहली लिस्ट आई थी तो उसमें इंदौर सहित मध्य प्रदेश के 5 लोकसभा सीट को होल्ड किया गया था, लेकिन अगर इंदौर सीट की बात मानी जाए तो इंदौर सीट को सबसे ज्यादा सेफ सीट माना जाता है। जब पहली लिस्ट में सांसद शंकर लालवानी का नाम सामने नहीं आया तो लगभग ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार उम्मीदवार कोई दूसरा हो और महिला उम्मीदवार को मौका भी मिल सकता है। इस बीच में कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका बयान भी सामने आया कि किसी महिला उम्मीदवार को इस बार चुनाव लड़ाया जा सकता है, हालांकि बाद में अपनी बयान से पलट गए। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से अगर देखा जाए तो इस वक्त इस नाम को लेकर संकेत मिलने लग गए थे। सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है कि पार्टी ने एक बार फिर से शंकर लालवानी पर भरोसा जताया है और बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार शंकर लालवानी हो सकते हैं। देखिए, CAA की अगर बात की जाए तो उसमें अब लंबी लड़ाई लड़ी है शंकर लालवानी ने। सिंधी समाज के जो लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर इंदौर में रहते, वो संख्या बहुत बड़ी संख्या है और उसी समाज का वो नेतृत्व करते हैं, उन्हीं समाज का वो लीडरशिप भी करते हैं। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, लोगों को उन पर भरोसा और कहीं ना कहीं अब CAA का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। कल वो राजवाड़ा भी पहुंचे थे, बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे और एक बड़ा जश्न कार्यक्रम मनाया गया था। लेकिन सांसद शंकर लालवानी की बात की जाए तो एक शांत स्वभाव के नेता रहे हैं और पिछले कई दिनों से वो देखा जाए तो राजनीति के गलियारों से कहीं ना कहीं उनकी दूरी नजर आ रही थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनकी सक्रियता जो है इंदौर में वापस से नजर आ रही है, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और आपका सब आज पुष्यमित्र भार्गव जब वो नगर निगम के कार्यक्रम पहुंचे तो वहां पर महापौर को बयान भी सामने आया है और वो एक्सटेंशन भी सामने आ चुका है जिसमें वो सांसद को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये साफ संकेत है और ऐसा माना जा रहा है, हालांकि लिस्ट बहुत जल्दी जारी होगी और ये क्लियर भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।